नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मोमेंट चेरी में। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा चिंतित करने वाली बात होती है डाइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, जहाँ हर रोज़ हमारी बॉडी एक नया चैलेंज लेके आती है। दूसरी ओर खाने पीने की चीज़ों को लेकर 100 बार सोचा जाता है, ये खाया जाए ये नहीं खाया जाए। अपने प्रियजनों से भी सलाह मिलती है कि ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम एक हेल्दी डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मैं शेयर करूंगी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खानी चाहिए और जो नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा पानी पीना यानी लिक्विड लेना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना पानी या लिक्विड लेना चाहिए, इस बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड्स की, यानी हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना लिक्विड या पानी पीना चाहिए। आपको स्टार्टिंग प्रेगनेंसी से ही भरपूर मात्रा में लिक्विड का सेवन करना चाहिए। आपको हर रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है। यदि आप भरपूर मात्रा में पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। और पानी पीने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पानी आप नॉर्मल डिलीवरी कराने में भी हेल्प करता है। तो लिक्विड्स में आप पानी के अलावा दूध, छाछ, लस्सी, नारियल पानी वे फ्रूट जूस भी पी सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप फ्रेश फ्रूट जूस घर पे ही निकालें, डिब्बा बंद फ्रूट जूस का उपयोग बिल्कुल ना करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें उन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसमें फास्फोरस, जिंक, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 जैसे न्यूट्रिशंस हो। ये आपकी प्रेगनेंसी को और हेल्दी बनाते हैं और एक हेल्दी बेबी का जन्म होता है। प्रेगनेंसी में यदि हेल्दी फूड लिया जाए तो मिस कैरेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक माँ का वजन 10 से 12 केजी तक बढ़ना अच्छा है, क्योंकि आपके साथ आपका बेबी भी होता है और उसको इन सारे न्यूट्रिशंस फूड की बहुत ज़रूरत होती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, चाहे भूख भी ना हो, क्योंकि आपके पेट में पल रहे बच्चे को हर 3 या 4 घंटे से भूख लगती रहती है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही रात में किशमिश को पानी में भिगोकर और सुबह उठकर उनको खाने की आदत डालें। ये आदत आप पूरी प्रेगनेंसी यानी 9th मंथ कंटिन्यू रखें तो इससे आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होगी और एनीमिया का खतरा भी नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे डाइट के बारे में, यानी हमें कितनी बजे क्या क्या खाना चाहिए। हमें सुबह 7 बजे 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। आप सुबह ब्रेकफास्ट 9 से 10 बजे के बीच में कीजिए, जिसमें आप वेजिटेबल दलिया, पोहा, लापसी, सैंडविच, पराठा, दाल चीला, जो आपका मन हो खाने का वो खाइए। अपनी इच्छा से हर दिन अलग अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिडनाइट स्नैक्स की, जो कि आपको 11 बजे से लेकर 12 बजे तक लेना चाहिए। मिक्स फ्रूट जूस, अनार, नारियल पानी, लस्सी या कोई भी फ्रूट जूस, सूप, केला, ये सब आप अपनी इच्छा से हर दिन वीक के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज करके ले सकते हैं। अब बात करते हैं लंच की। आपको लंच 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ज़रूर करना चाहिए। लंच में आप की डाइट में दाल का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप कोई भी हरी सब्जी, रोटी, दही, सलाद ये सब शामिल कर सकते हैं। दही को डाइट में शामिल करना ज़रूरी है, क्योंकि दही है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है और आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। अब नेक्स्ट है इवनिंग स्नैक्स, जो कि आप शाम को 4 से 5 बजे के बीच में ले सकते हैं। इस दौरान आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं। यदि आपको दूध पसंद नहीं है तो आप 1/2 कप चाय भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं रात के डिनर के बारे में। आपको रात का डिनर 8 बजे तक ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर करने पर एसिडिटी और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होने लगती है। आप रात का डिनर हल्का लें, जिसमें रोटी, चावल या एक सब्जी शामिल कर सकते हैं। इस दौरान रोटी में घी लगाकर ज़रूर खाएं, क्योंकि घी है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तेल की बजाय बहुत अच्छा होता है और ये आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने में भी हेल्प करता है। आपको लास्ट के 3 मंथ्स में घी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और लास्ट में हम बात करेंगे, आपको सोने से पहले 1 गिलास दूध ज़रूर पीना चाहिए, या आप इसकी जगह मखाना खीर, सेवई खीर या कस्टर्ड ले सकते हैं।
तो ये था एक हेल्दी डाइट प्लान जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनका हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है मल्टीग्रेन। ये सब उन महिलाओं के लिए हैं जो नॉनवेज नहीं खाती है, ऐसे में उनके पास मल्टीग्रेन प्रोटीन का सबसे अच्छा ऑप्शंस है। दाल की बात करें तो हमें छिलके समेत दाल का सेवन करना चाहिए और दालों का प्रॉपरली कुक होना जरूरी है। सेकेंड है डेयरी प्रोडक्ट। प्रेगनेंसी में हमें दूध, पनीर, दही, छाछ इनका सेवन अच्छी मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में प्रेग्नेंट लेडी के हिसाब से कैल्शियम, प्रोटीन व विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। तो प्रेगनेंसी में आम दिनों से ज़्यादा हमें आयरन की ज़रूरत होती है, तो प्रेग्नेंट लेडी को उन सब्जियों में फ्रूट्स का ज़रूर सेवन करना चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें भी आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, तो गर्भावस्था में हरी पत्तेदार सब्जियां व फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। आप कच्चे पपीते व पाइनएप्पल को छोड़कर सभी फ्रूट्स खा सकते हैं। कच्चे पपीते का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कच्चे पपीते में लैक्टेस पाया जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कच्चे पपीते में पेपिन पाया जाता है जो कि बच्चे की ग्रोथ को कम कर देता है, इसलिए हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पपीते का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको पसंद है तो आप पका हुआ पपीता सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में खा सकते हैं। डाइट के दौरान हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें, जिससे कि अबॉर्शन का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा आप सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरू होते ही रोज़ रात को सोने से पहले केसर वाला दूध जरूर पिए। यह मान्यता है कि केसर का दूध पीने से बच्चे का रंग गोरा है होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। केसर का दूध एक तो दूध के फ्लेवर को बढ़ा देता है, दूसरा ये बच्चे की फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। बच्चे का रंग गोरा या काला होना टोटली उसके पेरेंट्स के जीन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें क्या नहीं खाना चाहिए। हमें कच्चे दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कच्चे दूध में बैक्टीरियाज होते हैं, तो दूध को गर्म करके फिर ठंडा करके हमें इसका सेवन करना चाहिए। कुकिंग के दौरान ज़्यादा ऑयल व मसालों का उपयोग ना करें। जहाँ तक हो सके खाने को लेस ऑयली और लेस स्पाइसी रखें, वो इजी से डाइजेस्ट हो जाए। लहसुन व मैदे से बनी हुई चीज़ों का बिल्कुल उपयोग ना करें। प्रेगनेंसी में एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ये होने वाले शरीर में हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है, तो जितना हो सके पैक्ड फूड यानी नमकीन, भुजिया, सेव या बिस्किट का उपयोग कम से कम करें। आप कैफीन पदार्थों का चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट्स का सेवन बहुत कम करें। वेज खाते हैं तो नॉनवेज को अच्छे से पका के खाएं। अपनी डाइट व लाइफस्टाइल को ज़्यादा रेस्ट्रिकेट ना करें, प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। तो में हमने बात की है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इन सब के एक पैरामीटर होते हैं। ये सब चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोई भी चीज़ को फोर्स करके खाएं, या जो चीज़ आपको पसंद है वो आप 9 मंथ्स बिल्कुल भी टच ना करें। जो खाने का मन करे उसे खाएं। बेबी के ग्रोथ के लिए एक माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो चाहती है कि वो हेल्दी से हेल्दी खाए, ताकि बच्चा भी हेल्दी हो। अभी भी आपको डाइट को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स या फैमिली जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अपडेट आपको मिल। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।